सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मेरठ में देर रात थाना टीपी नगर क्षेत्र के पूठा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली स्पेशल सेल और मेरठ पुलिस की संयुक्त टीम साथ टीपी नगर में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 50,000 के एक और 25,000 के दो बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें मेरठ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां से उन्हें मेडिकल रेफर कर दिया गया। दरअसल टीपी नगर अशोक पुलिस टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान कार सवार तीन बदमाशों का पीछा करते करते दिल्ली की स्पेशल टीम मेरठ पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी कि शातिर बदमाश सद्दाम अपने दो साथियों के साथ कार से भाग रहा है, उस पर दिल्ली से 50,000 का इनाम है। सूचना पर SSP ने क्राइम ब्रांच प्रभारी प्रशांत कपिल और टीपी नगर पुलिस को दिल्ली पुलिस के साथ लगाया। पुलिस की संयुक्त टीम ने पूठा गांव के पास बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। जवाबी फायरिंग में तीन बदमाशों को गोली लगी। CO ब्रह्मपुरी चक्रमणि त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि JJ कॉलोनी बिलासपुर दिल्ली निवासी दिलीप, डबल स्टोरी तिलक नगर दिल्ली निवासी उस्मान, सद्दाम का मेरठ में भी 25,000 और उस्मान व दिलीप 25,000 के इनामी बदमाश हैं, जिन्हें देर रात पुलिस ने धर दबोचा। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। गोली लगे आए हैं, क्या मामला? तीन लोग थाना क्षेत्र से जो कि गोली लगे हुए आए हैं, इनके पैरों में गोली लगी हुई है। अभी आए थे यहाँ पर, उपचार और मैनेजमेंट करके उनको जो है मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। क्या क्या नाम है इन तीनों का? उनके नाम तीनों के परवेज है, एक का नाम उस्मान है और एक जो है वसीम और सद्दाम। वसीम और उस्मान और परवेज सद्दाम। अच्छा, ये कहाँ से लाए हैं, कौन लोग लाए थे इनको? ये भी थाना टीपी नगर से जो साथ में टीम आई है SOG की और जो थाना टीपी नगर के लोग थे वो उनको लेकर आए। तो अब कंडीशन क्या है? कंडीशन एक दो पेशेंट के थाई में फ्रैक्चर लग रहा है पैर में, एक के थाई में और एक के लोअर लेग में, तो उनको इसलिए मैनेजमेंट के लिए उनको रेफर किया है मेडिकल को। आज लगभग 9:30 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की सूचना थी कि तीन बदमाश उधर मेरठ क्षेत्र में ये गतिविधियां हैं। इस आधार पर चेकिंग लगाई गई थी और इस चेकिंग के आधार पर एक बीट गाड़ी आते हुए दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास टीपी नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने किया संयुक्त रूप से। तो बदमाशों ने तुरंत पुलिस बल पर फायर कर दिया। पुलिस बल ने आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करते हुए अपना बचाव करते हुए जो कार्रवाई किया उसमें तीन बदमाश पकड़े गए जो घायल हो गए, जिनके नाम क्रमशः सद्दाम उर्फ गौरी, दिलीप और उस्मान है। ये परतापुर थाना क्षेत्र से भी 25,000 रुपए के इनामी हैं जो लूट में वांछित चल रहे हैं। इनसे पूछताछ में पता चला कि इन बदमाशों पर काफ़ी संख्या में काफ़ी संगीन मामले दर्ज हैं। जो सद्दाम पर करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं और महत्वपूर्ण तथ्य है कि 12,00,000 के इनामी अपराधी अमित उर्फ भूरा को भगाने वाले नीरज बमाना कसार शूटर रहा है और इस पर 50,000 रुपये का इनाम मकोका के मामले में दिल्ली से भी है। इन बदमाशों से बीट गाड़ी, एक पिस्टल, दो तमंचा, भारी संख्या में खोखा राउंड, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इन तीनों घायल बदमाशों को तत्काल इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा गया है। शेष विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही, इनके आपराधिक इतिहास और अन्य अपराधों के बारे में गहन छानबीन नियमानुसार की जाएगी।